इसलिए इट्स वेरी वेरी एक्साइटमेंट फॉर एवरी वन इन माई टीम एंड फॉर मी इट्स अ वेरी वेरी बिग डे. फिल्म के नाम में ही सब कुछ है, आप लोगों को नाम में ढूंढना है क्योंकि हमारा हैशटैग भी वही है, ओहाम है क्या. सो इट्स अ सस्पेंस थ्रिलर एंड डेफिनेटली आर हीरो इज आर स्टोरी. सो दैट्स द मूवी. सेंसर बोर्ड में मैं अभी भी हूँ, तो सफर था कि मैं पिक्चर बनाऊंगी. मैंने इतनी पिक्चर्स देखी फिर भी नहीं था, लेकिन आई थिंक बाय गॉड्स ग्रेस उन्होंने मुझे वहाँ इसलिए प्लांट किया ताकि मैं पिक्चर बना सकूँ. आई प्रोड्यूस आप लोगों से सक्सेस बनाई है क्योंकि आप ही लोग बना सकते हैं. हमने अपना काम कर दिया, अपनी मेहनत कर दी, एक एक स्टार ने अपना सब कुछ कर दिया. अब आप लोग हैं, ऑडियंस है, मेरी पब्लिक है जो इसको एक सक्सेस ओहाम बनाई. 2020 में जब कोरोना आया था तब से हम इस पर वर्क कर रहे हैं. सबसे पहले तो मैं अपने डायरेक्टर अंकित हंस का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये स्क्रिप्ट और ये मौका मुझे मिला. ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि जिस दौरान हम स्क्रिप्ट पे काम कर रहे थे और जब स्क्रिप्ट पे वर्क हो रहा था तो उस वक्त ऐसी मूवी और ऐसा किरदार किसी को ऑफर नहीं हुआ था, और मैं लकीली मुझे वो ऑफ़र हुआ और मैंने जितनी अपनी शिद्दत से मेहनत से जितना मैं कर सकता था मैंने वो किया है. फिर मैम का शुक्रगुजार हूँ. मैंने इसमें यशवंत का कैरेक्टर प्ले किया है और मैम ने मूवी प्रोड्यूस किया और इन्होंने मुझे और हृदय को मौका दिया. ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि हमने बहुत टाइम स्ट्रगल किया था, मुंबई में भी किया, हर जगह किया, लेकिन फिर एक ऐसी मूवी और ऐसी कहानी हमें मिलना बहुत बड़ी बात थी. तो बस अलमाइटी का और ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ. शुक्रिया. तो मैं रिचा मैम, हमारी बैकबोन जिसके बिना आज ये सब कुछ मुमकिन नहीं हो पाता, और हमारे अंकित सर का करना चाहूँगी जिन्होंने मुझ पर इतना ट्रस्ट किया कि मैं ये किरदार निभा पाऊँगी और उनके विजन को आप लोगों तक पहुँचा पाऊँगी. तो थैंक यू सर, थैंक यू मैम. और मेरे दो बड़े हीरोज़ हमारी फिल्म के, ये हमारे हृदय सिंह और यशवंत जी, शिवाजी, ये हम इनके कैरेक्टर्स हैं, और वरुण सूरी जी और हृदय जी. इन दोनों की एक्टिंग स्किल्स, मतलब यहाँ पे टैलेंट यहाँ पे था, और मैं मुझे इनसे इतना कुछ सीखने को मिला, इतना कुछ सीखने को मिला. और अब मेरी परफॉर्मेंस जो भी आप लोगों के दिलों को छुएगी तो उसका श्रेय इन दोनों को भी जाता है क्योंकि इनकी वजह से मैं इतना अच्छा कर पाई, और वो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा. अपने के सच होना जैसा है, अभी समझ नहीं आ रहा है रियलिटी है या कोई ड्रीम है. और इस ड्रीम को रियल करने में सबसे बड़ा हाथ रिचा मैम का, और इस ड्रीम को सबसे पहला जो स्टेप दिखाया किसी ने कि सच हो सकता है, वो हमारे डायरेक्टर अंकित हंस है. और उसके बाद मेरे को एक्टर्स जो इतने शानदार को एक्टर्स है कि ये प्रोजेक्ट बहुत शानदार हो गया, जैसा सोचा गया था उससे कहीं ज़्यादा अच्छा हो गया. और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. आई थिंक डायरेक्शन करना, उसमें अपनी क्रिएटिविटी दिखाना मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी. और बेस्ट पार्ट वॉज कि जो मेरे साथ मेरी टीम में एक्टर्स थे उनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है मेरे साथ. और मुझे देखो डेफिनेटली फील्ड पे जाके बहुत सारी चीज़ें होती है जो देखनी पड़ती हैं, लेकिन मैं फिर भी यही बोलूँगा कि एक्टर्स ने जो साथ दिया है और जो एक्टर की क्रिएटिविटी थी वो बहुत खूबसूरत थी और इवन है. आप ट्रेलर देखेंगे, आप ट्रेलर से ही पहचान पाएंगे कि हमने कितना अच्छा काम किया है. एक्टिंग, डायरेक्शन, प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर साहब, इन्होंने कितनी मेहनत करी है हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में, आपको जल्दी सिनेमा हॉल पे देखने को मिलेगा. वो तुमको करना है तुम्हारी स्टाइल की पिक्चर. बेसिकली मेरी स्टाइल थोड़ा जॉनर लाइक सस्पेंस थ्रिलर एक्शन उस तरह की मेरा बहुत जॉनर है. जब मैंने मटेरियल देखा तो मुझे लगा कि यार कुछ तो ये बात है. और इन्होंने जो फर्स्ट टाइम इन्होंने जो पिक्चर बनाई है उस हिसाब से बहुत सही इन्होंने शूट किया है, पिक्चर भी बहुत सही बनाई थी. और जब फिर मैंने एडिट पे जब बैठा मैंने तो मुझे इतना ट्रीटमेंट करने में बहुत मज़ा आई और एक्साइटमेंट बहुत रही मुझे फिल्म करने में. अभी जब ट्रेलर आएगा, जब फिल्म देखेगी तब पब्लिक को लगेगा कि कुछ नया लेके आए हैं, इतना श्योर. थैंक यू. मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, ओहाम इस साल की आई थिंक फ्रेशेस्ट बॉलीवुड फिल्म होगी क्योंकि एवरी फेस इज़ फ्रेश बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट ग्रिपिंग ओरिजिनल थ्रिलर्स आई हैव एवर सीन. और ओरिजिनल स्टोरी है, ग्रिपिंग है, एंड तक मुझे नहीं पता था क्या होने वाला है. इवन ट्रेलर देख के मैं और कन्फ्यूज़ हो गया था, तो आई एम होपिंग कि आप लोग ट्रेलर इन्जॉय करें, एंड उसके बाद जब फिल्म रिलीज़ होगी आई एम होपिंग कि आप लोग फिल्म भी इन्जॉय करें. थैंक यू.